वर्तमान में बिहार में महागठबंधन की सरकार है। बता दें आपको कि राजद के बाहर पोस्टर लग गया है और कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरीके से सरकार बनी उसके बाद यह साफ इस पोस्टर के माध्यम से दर्शाया जा रहा है कि केंद्र में भी अब महागठबंधन की सरकार बनेगी, जिसको लेकर तस्वीर आपके सामने है। देख सकते हैं किस तरीके से इस पोस्टर में आपको दिख रहे होंगे लालू प्रसाद यादव, साथ ही बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। इस पोस्टर में यह साफ साफ लिखा हुआ है, बिहार तो झांकी है, दिल्ली की फतह बाकी है। देखिए वर्तमान में बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है और जिसके बाद पोस्टर लगना शुरू हो गया है। इस पोस्टर के माध्यम से सीधा सीधा दर्शाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं लाल किला पर जो है फतह हासिल करेंगे, यानी कि केंद्र में सरकार बनाएंगे। और ये तस्वीर देखिए लालू प्रसाद किस तरीके से जो उंगली है वो दिखा रहे हैं सीधा सीधा लाल किला की तरफ। वहीं लालू प्रसाद जी के 12वीं बार राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई भी दी गई है। वहीं बता दें आपको कि 12वीं बार जो है राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बने हैं। बीते दिनों जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, इस पद पर लालू प्रसाद यादव ने उम्मीदवारी जो है दाखिल की थी, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। और वहीं जिस तरीके से बिहार में वर्तमान में महागठबंधन की सरकार बनी है, बिहार में सरकार बनने के बाद अब सीधे सीधे केंद्र की तैयारी की जा रही है। वहीं लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दौरा कर रहे हैं, तमाम विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं और एकजुट करने में लगे हैं। वहीं लगातार जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार बनी है, महागठबंधन के नेताओं का यह साफ कहना है कि आने वाले दिनों में जो है केंद्र पर जो है फतह हासिल करेंगे, यानी कि केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बता दें आपको कि वर्तमान में बीजेपी की केंद्र में सरकार है और कहीं ना कहीं बीजेपी को हटाने की जो है कहीं ना कहीं केंद्र से कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीर जो है सीधे सीधे बिहार राजद प्रदेश कार्यालय के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से इस पर यह साफ लिखा है देख सकते हैं, बिहार तो झांकी है, दिल्ली की फतह बाकी है, यानी कि बिहार में तो सरकार बन गई है, दिल्ली में फतह हासिल करना है, दिल्ली में सरकार बनाना है। देखिए मिशन जो है कहीं ना कहीं मिशन लगातार जो है तैयार किया जा रहा है, लगातार जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के नेताओं को एक कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं। तो वहीं अब राजद के बाहर पोस्टर लगने लगा है, राजद कार्यालय के बाहर की ये तस्वीर है जहां पर लालू प्रसाद यादव को 12वीं बार राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई दी गई है। वहीं बता दें आपको कि जिस तरीके से बिहार में सरकार बनी है उसके बाद केंद्र में फतह हासिल करने की बात की जा रही है। बता दें आपको कि बिहार में वर्तमान में महागठबंधन की सरकार है और वहीं अब केंद्र में सरकार बनाने की बात कही जा रही है। जिस तरीके से बिहार में एनडीए टूटा उसके बाद महागठबंधन की सरकार बनी, तो वहीं अब केंद्र में बात की जा रही है कि केंद्र में अब महागठबंधन के नेता या फिर तमाम विपक्ष के नेता एक साथ आएंगे और केंद्र में सरकार बनाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपने देखा किस तरीके से राजद के बाहर पोस्टर लगने लगा है और पोस्टर में साफ साफ लिखा है कि बिहार तो झांकी है, दिल्ली में फतह बाकी है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।